के अपना बना के जग तो लुका के बलो राणिए तेनू तो बिच बठा के लै जाना नी लुक ना तू सातो गोरिए नी लुक ना तू सातो गोरिए मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही हो? मेरी शादी तो नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? हाँ, क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि लड़की हाँ नहीं कह रही। देखो फसी कितना लकी है, निदा ने हाँ कह दी तो उसकी शादी हो रही है, और एक तुम हो। तो कोई सी बात नहीं, आपके पास स्पेयर व्हील है? जी जी, वो स्पेयर व्हील पाना जैक सब कुछ है। जब सब कुछ है तो फिर हमारी क्या जरूरत है, हम लोग चलते हैं। चलो सैफ, चलो यार, सब कुछ है। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं गाड़ी के टायर चेंज करता हूँ, बल्कि करवाता हूँ अभी। आप देखिए, मैं करवाता हूँ। अच्छा ये है, बहुत अच्छी गाड़ी है। फसी जाओ बेटा, जरा गाड़ी का टायर तो चेंज कर दो। जाओ, देखो बाजी कितनी मुश्किल में है, परेशानी में है। जाओ जाओ, शाबाश जाओ, बहुत अच्छा है, अभी चेंज कर देगा, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है, अभी कर देगा।
बचपन से हम लोग साथ ही पले बड़े हैं, बहुत मोहब्बत करता है, अभी कर देगा, फिक्र ना करें। हाँ वो पीछे वाला, हाँ ये। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। अब इनकी पुरानी रिश्तेदारी भी निकलेगी, यकीन है हर फिल्म में यही होता है। मैं जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सैफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बोलो। पहले तो मुझे तुमसे ये शिकायत है कि उस दिन की सारी बातें तुमने जरीन को बता दी। तुम्हें पता है बाद में उसने मेरी कितनी इंसल्ट की है? तुमने फिरने तक इंसल्ट किया है ना? आहिस्ता बात करो। आहिस्ता नहीं बात करूंगा मैं। तुम्हें गैर लड़की की खातिर मुझे मुस्तकिल हट किए जा रहे हो। और तुम जो एक मामूली लड़की की मोहब्बत में मुझे जलील कर रहा है, वो कुछ नहीं। निदा और जरीन में जमीन आसमान का फर्क है। निदा जरीन की तरह लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती, वो एक शरीफ खानदान की लड़की है। निदा ने तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की तो तुमने उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दी। तुम इतने कमजोर हो गए, मुझे इस बात का नहीं पता था सैफ। से कहो मेरी फिक्र करना छोड़ दे और तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करे, समझे तुम? और निकलो इस घर से, निकलो इस घर से। तुम कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाले? कौन हो तुम? मैं कौन होता हूँ इस घर से निकालने वाला? हाँ, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझे तुम? निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। आई से संभाल के बात करो, मैं कहता हूँ जबान संभाल के बात करो शेख। इससे पूछे क्या हो रहा है? कहता है, कहता है ये घर मेरा नहीं है। अरे सैफ तो? हेलो जरीन, हाउ कम यू आर हियर? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, उसके लिए केक लेने आई थी। हम दोनों दोबारा इस तरह अचानक मिलेंगे, कभी सोचा भी नहीं था। जरीन ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। गिव मी 5 मिनट्स। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। घर जाके अपनी नज़र उतार लेना। जरीन मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा हूँ, और लेकिन जरीन एक्चुअली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? तुम चुप क्यों? Take your hands off. सूखे पत्तों पे बरखा बरसने लगी, जैसे ऋतु मुझ पे मातम सा करने लगी। दो घड़ी हो सके तो ठहर जाइए, एक दिन आप भी वरना पछताएंगे। फैल जाएगा काजल तेरी आंख का जब तेरे शहर से हम चले जाएंगे। बेवफा संग दिल मेरी माँ, मेरा छोटा भाई इज्जत और मैं पाकिस्तान से भाग कर लंदन आए। थैंक यू, चलना मेरी तरह। जायदाद और जमीन भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। क्या क्या याद रखोगे? तुम्हें और तुम्हारे गिफ्ट्स को। खरीदो भाई, सबके साथ खरीदो। मैं अकेली रह जाऊंगी। आपकी चैरिटी एक महफूज जरिया है लोगों की इमदाद के लिए। बहुत शुक्रिया।
इज्जत का दिल टूट जाएगा। यही 10 million pounds आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। This is my life. Not everyone can become like you. सिक्के चलते वेखे।